स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द फ्यूचर इज सोलर में। यहाँ पर आपको मिलेंगी सोलर से जुड़ी जानकारियाँ। अगर आप सोलर से इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 फायदे और 7 नुकसान के। नुकसान तो हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे टेक्नोलॉजी की लिमिटेशंस कहेंगे। और क्या लिमिटेशन है, कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं होती जिसमें सिर्फ उसके फायदे ही फायदे हों या फिर उसके सिर्फ नुकसान ज्यादा हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फायदों की और उसके लिमिटेशंस की, यानी कि नुकसान की। आप लेमन लैंग्वेज में उसको नुकसान कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने 7 फायदों से। बात करेंगे हम फायदा नंबर 1 की, तो शुरुआत करते हैं। तो फायदा नंबर 1 हमारा यह है कि सोलर पैनल या फिर सोलर प्लांट आपने अगर लगवा लिया है तो वो आपको कम से कम 25 साल तक आपका साथ देगा और अधिक से अधिक वो 30 साल तक आपका साथ देगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बता दूं कि जो बिजली की हर महीने या हर साल जो बिजली की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने सोलर प्लांट लगवा लिया है। सोलर प्लांट लगवाने का फायदा यही होता है कि अगले 25 से 30 साल तक आपको बढ़ती हुई बिजली की कीमतों से घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से सुकून से अपना रह सकते हैं क्योंकि आपने अब सोलर प्लांट लगवा लिया है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, ना केवल अपने अपने पैसे बचाए हैं बल्कि अपने पर्यावरण को बचाया है। आज के समय में जब हमारे देश में 70% बिजली जो है बिजली कोयले से बनती है, तो जितनी आपने बिजली बनाई है उतना आपने कोयला जलने से बचाया है, यानी कि आपने आने वाली पीढ़ी को अपने उपहार दिया है, बहुत ही सुंदर उपहार दिया है एक पर्यावरण को स्वच्छ रखने का अपनी तरफ से। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जो पॉइंट नंबर 4 है, सोलर पैनल को साफ करना बहुत ही आसान है। जैसे हम घर में अपना फर्श साफ करते हैं, जैसे अपनी गाड़ी साफ करते हैं, उसी तरीके से हम अपने सोलर पैनल को साफ कर सकते हैं और इसमें किसी और तरह की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ सोलर पैनल साफ रखने हैं, तो ये इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर किसी दूसरे तरीके से आप बिजली बनाते हैं उसमें बहुत ही मुश्किल होता है। और पॉइंट नंबर 5 की बात कर लेते हैं, तो 5 से 6 साल के अंदर आपकी इसकी कीमत जो है वापस आ जाती है। जो आपकी जितना आपने लागत लगा रखी होती है उसके ऊपर सारी की सारी जो है पैसे वापस आ जाते हैं, यानी कि अगले 25 से 20 सालों के लिए आपकी जो बिजली है वो आपको मुफ्त मिल रही है। ये आपका इसके जो पॉइंट नंबर 5 का फायदा है। तो सोलर आप ये देख सकते हैं कि बाकी जो हिसाब किताब है सोलर आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है बाकी जो इन्वेस्टमेंट आपने करी है उसके मुकाबले। अब बात कर लें पॉइंट नंबर 6 की। जहां भी सोलर पैनल लगते हैं उसके नीचे छाया हो जाती है। छाया होने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे उसके नीचे प्लांट लगे हैं या कमरे लगे हैं उसका टेम्परेचर और कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने का मतलब यह है कि जिस आपने एसी लगा रखे हैं उसके नीचे जितनी भी आपकी बिजली की खपत है, कूलर लगा रखे उस भी लगा रखे, तो वो हमारी कम हो जाएगी और वेजिटेशन भी उससे इम्प्रूव होगा। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर अपने 7 की। तो जहां भी आपको किसी को मालूम चलेगा कि हाँ भी आपके घर के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आपकी जो घर की कीमत है वो बढ़ जाएगी। घर की कीमत बढ़ने का मतलब है कि उनको किसी और तरह की कोई समस्या का उनको समाधान नहीं करना पड़ेगा, तो आपको उसको पैसे आएंगे सोलर पैनल से। और सबसे बड़ा यह है कि आपने अपनी पृथ्वी को बचाने में अपना छोटा सा योगदान दिया है। अब बात करेंगे आप अपने नुकसान की। नुकसान से बात करने से पहले मैं आपसे बात कर लूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सोलर से रिलेटेड वीडियोस के लिए, क्योंकि चैनल पे सिर्फ आपको सोलर के रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम का नुकसान, यानी कि इसके जो लिमिटेशन है। शुरुआती कीमत कई लोगों को उसमें बहुत अधिक लग सकती है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ समय के बाद में आपकी जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो वापस आपको मिल जाएगी। चार पांच छह साल के अंदर ये वापस हो जाएगी, उसके बाद आपकी बिजली पूरी फ्री है। पॉइंट नंबर 2 है पैनल की सफाई ना करना। अगर आप सोलर पैनल की सफाई नहीं करना चाहते हैं या फिर आप नहीं करते हैं सोलर पैनल की सफाई, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4-5-6 साल की जगह 8-9 साल या फिर 10 साल के अंदर भी रिटर्न पूरी ना आए। तो सोलर पैनल को साफ रखना बहुत ही जरूरी है, और ये अगर आप नहीं रख सकते हैं तो सोलर पैनल की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत डिले हो जाएगी। सोलर पैनल से आप दूर ही रहें तो अच्छा है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, सोलर पैनल पर छाया पड़ना। जिस तरीके से सोलर पैनल को गंदा रखने पर नुकसान है, उसी तरीके से सोलर पैनल के ऊपर छाया पड़ना भी नुकसान है। अब हम पूरी तरीके से छाया को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ छाया को कम कर सकते हैं। जैसे कोई परमानेंट शेडो है, कोई टैंकी की किसी मम्मटी की छाया पड़ रही है, किसी पेड़ की छाया पड़ रही है, तो हम उसको वहां से दूर रखें अपने सोलर सिस्टम को। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैनल की दिशा और कोण, यानी कि एंगल और डायरेक्शन ऑफ द पैनल। यानी कि अगर आपने अपना जो पैनल है साउथ डायरेक्शन में नहीं लगाया, उसका जो फेस है सोलर पैनल का साउथ डायरेक्शन में नहीं करा, और जो उसका एंगल है वो आपका जो लेटीट्यूड है एरिया का उस एरिया पे नहीं रखा, तो आपकी जो जनरेशन है वो नहीं होगी जो आप चाहते हैं, जिससे कि आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 4-5-6 साल के अंदर आपके पास में वापस आ जाए। तो कोण जो है रखना बहुत ही जरूरी है। नुकसान में पॉइंट नंबर 5 की बात करेंगे हम, तो उसमें पक्षियों का प्रकोप है। पक्षियों का प्रकोप यानी कि अगर एरिया में आपके बहुत ज्यादा पक्षी हैं और वो बर्ड ड्रॉप करके जाते हैं, जैसे कि आपके फोटो में दिख रहा है, तो ये आपके नुकसान है, देख सकते हैं फोटो में। तो अगर ये है तो आपको इसके चैलेंज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा।
बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। कई लोग इसमें नोजल्स का प्रयोग करते हैं पैनल को साफ रखने के लिए। जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो पैनल है पूरे साफ नहीं होते। इससे क्या होता है कि आपके जो सोलर पैनल को चलने का खतरा होता है, यानी कि हॉट स्पॉट बनने का खतरा रहता है। तो ये किसी भी प्रकार के यूज में नहीं रहे होते और इनकी छाया पड़ने से हमारे जो सोलर पैनल है वो खराब होते हैं, तो इनके प्रयोग से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, पैनल्स की परफॉर्मेंस। ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे पैनल्स की परफॉर्मेंस डे बाय डे वो गिरती है। पहले साल वो 1% गिरती है, फिर उसके अगले साल वो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो 0.65% गिरती है। यानी कि पूरे 25 साल में जो आपका जो पैनल है, अगर जो आपका पैनल आपका 100 वाट का है तो 25 साल के बाद वो 80 वाट का रह जाएगा। तो इसी हिसाब से आप प्लान करें कि आपको अगले फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से किस कितने वाट का कितने कैपेसिटी का आपको सोलर प्लांट चाहिए। एक 6 मिनट के वीडियो में सारे के सारे नुकसान और सारे के सारे फायदे कवर करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने अपने से पूरी कोशिश करी कि आपके लिए मैक्सिमम जितने मैं नुकसान और जो फायदे हैं वो लेकर आऊं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इन फायदों में से या इन नुकसान में से आपको कौन सा रोचक लगा आपको नहीं पता था वो कमेंट करके बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।